नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के दीपक नगर वार्ड नंबर 23 पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड पार्षद श्रीमती मीना सिंह जी हैं। इनके घर जो है आगजनी हुआ है, जिसके चलते इसके जो ऊपर माला का जो घर है वो बहुत बुरी तरह से जल चुका है। जलने का मुख्य वजह क्या है, किस तरह का भारी नुकसान इन लोगों को सहना पड़ा है, रात को या इनके यहाँ आगजनी हुई है, आइए जानते पूरी मामलों को कि किस तरह इनके घर में जो है आगजनी हुई है। जी मैडम बताएंगे किस समय का समय क्या था जिस समय आगजनी आपकी। ये 10:30 बजे की घटना है, 10:30 बजे की घटना है, क्योंकि ये सभी लोग हमारे यहाँ खाना खाने गए थे, तो उतने में हमारे देवर विनोद जी हैं जो पूर्व पार्षद रहे, वो आए और उनको वो खाना खाने की तैयारी में थे, तो वो बाहरी खाना खाए तो धुआं निकलने से वो बोले कि धुआं ये कहाँ से निकल रहा है, तो बच्चे को ऊपर भेजा गया जी। तो बच्चा आके देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, उनकी बिटिया सिविल जज का इंदौर में कर रही है, तो बिटिया के कमरे से ही पूरा आग लगा है और बहुत बुरी तरीके से आप सब ये देख रहे हैं कि इतना ज्यादा इसमें परेशानी हो गया है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पूरा पुलिस प्रशासन तो सही समय पे आ गया था, लेकिन जो दमकल वाले लोग हैं, जो फायर ब्रिगेड है, वो सही समय पे नहीं पहुँच पाई और कॉल करने पे 10 प्रकार के सवाल रहते हैं, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब सवाल जवाब थे। फोन करते करते आधे घंटे बाद वो लोग पहुंचे और जब तक जल के पूरा खाक हो चुका था। एक तो इस समय ऐसा होता है, इंसान बचने के लिए पूरा अपना लाइन ऑफ करता है और मोटर वोटर सब बंद रहती है, और पूरी मेरी सिस्टर का भी बहुत तबीयत खराब हो गया है। मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए सही समय पे ये सब चीज की सुविधा मिलनी चाहिए। हम तो एक जन प्रतिनिधि हैं, तो हम इतने परेशान हैं, आम नागरिक कितना परेशान होगा। और मैं निवेदन करती हूँ कि इस समय इस टाइप की जो घटनाएं हो रही हैं तो एकदम अपने लोगों को बच के रहना चाहिए, और कहाँ क्या ये तो पता नहीं चलता हमें। मैडम आपको पता कैसे चला कि आग जली हुई है आपके घर में? आपके घर नीचे में कोई रहे होंगे? ऊपर सोने के लिए आते हैं, नीचे में तो सब रहते हैं, निवास नीचे में ही है। अब वो विनोद जी को दिखा कि कहीं से धुआं निकल रहा है, उन्हीं ने देखा और उन्हीं ने बताया, बेटे को भेजे ऊपर की जाके देखे और क्या है, क्या क्या चीज मुख्य सामान जो जगह है जो बहुत कीमती था उसमें से क्या क्या चीज जगह है? वो बिटिया पढ़ाई कर रही है, उसकी पूरी पुस्तकें थी, पूरा दीवान में जो सामान था वो सामान था, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि शादी का बिटिया का जोड़ा ओड़ा जितना सामान था सभी चीज जल के खाक हो गया। बिटिया पुणे में जॉब करती है तो पूरा सामान यही रख के गई थी वो, और पूरा सामान था, मतलब बहुत कीमती कीमती सामान थे, और पूरा वो आग जली के कारण पूरे जल के खाक हो गए। लगभग कितने का सामान खाक हो गया? 5-6 लाख। 5-6 लाख। अभी आप देख सकते हैं एक जनप्रतिनिधि के घर आग जली का एक मामला सामने आया है, जिस पर जनप्रतिनिधि ने अग्निशमन को जब फोन लगाए तो उन्होंने क्या कब कहां किस तरह से ये कहने में पूरा समय लगा दिए थे, जिसके चलते जो इनके घर का जो बहुत सारा बताया, उनके बताने के मुताबिक 5-6 लाख का जो सामान है वो जल गया था। और रात में कौन कौन आए थे? रात में हमारे यहाँ दुर्ग मोहन नगर से TI महोदय आए थे और उनकी पूरी टीम आई थी जी। वो सही समय पे पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने के बाद कम से कम 20-25 मिनट बाद ये लोग आए थे। तो मतलब किस सामान की तो हानि हुई किसी व्यक्ति को, परिवार के किसी? हाँ, मेरे बेटा पूरा पानी फेंकते समय वो भी सीरियस हो गया था, क्योंकि ये तो प्लाई जलती है और वो जो गद्दे रहते हैं उनका पूरा धुएं का जो रहता है उससे पूरे जगह बहुत ज्यादा ये लोग सीरियस थे। फिर जामुल हॉस्पिटल में 2-2.5 घंटे ये लोग एडमिट थे जी। इनको वहाँ लगाया गया ऑक्सीजन, तब ये लोग ठीक हुए हैं। अभी तो बहन को काफी जगह जल गया है, लेकिन वो भी अभी ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं ये रूम जो है मीना सिंह का घर है, ये पूरी तरह से जल चुका है। आप प्लाई के दरवाजा, ये रूम किसी समय में इतना अट्रैक्टिव था, इतना मस्त दिखता था, आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ तो अंधेरा भी पड़ रहा है, पूरे सामान यहाँ जल कर खाक हो चुका है। 5-6 लाख की यहाँ पर नुकसान हुआ है, और आप देख सकते हैं कोई भी सामान यहाँ पर नहीं बचा है। बच्चे की शादी का सामान से लेके शादी के जोड़ा से लेके घर में रखे काफी पुस्तक जो आग जलने का मुख्य वजह क्या था मैडम?
शॉर्ट सर्किट की वजह से। शॉर्ट मैडम, आप समझ सकते हैं, जो शॉर्ट सर्किट को मजाक समझते हैं, बिजली को मजाक समझते हैं, ओवरलोड लेके जो अपने घर में काम कर सकते हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट से थोड़े से बचाव के चलते कितना बड़ा आपके घर हादसा हो सकता है। तो ये खबर बनाने का उद्देश्य ये था कि जो ओवरलोड, जो शॉर्ट सर्किट, चूंकि अभी गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी के समय पे जो स्थिति गर्मी का है, किस टेम्परेचर में हम रह रहे हैं, और ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने का जो वजह है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर लाखों रुपया का जो है नुकसान हो गया। ये नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि जिनके घर ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान उनको खुद सहना पड़ेगा, ये दर्द तो लेना पड़ेगा। इस दर्द से आम जनता बच सकते हैं कुछ सावधानियां रखने की, साथ ही अपने घर का बचाव रख सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से रहिए दूरी बना के। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।